निशा बनी है दुल्हन, लेकिन किसके साथ शादी कर रही है? विशाल के साथ या फिर राहुल के साथ? भाई ये नजारा है कलर्स पे शुरू हुए सीरियल इश्क में मरजावा का, जहाँ पर हेलिशा दुल्हन बनी है और विशाल सेट पर सबसे मिला रहे हैं, और साथ साथ हेली और विशाल चाय पर ढेर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हेली के पास, देखते हैं उनका दुल्हन का अवतार। As you can see, I am all ready and बस बहुत सारी भारी भरकम चीज़ें पहन के अब मैं सेट पर जाने के लिए रेडी हूँ। सो आई बी गोइंग इन अ वाइल, तब तक मैंने अपना पानी गर्म करके रखा है। सो आई सिप ऑन माई हॉट वाटर एंड आई सी यू लेटर। वैसे विशाल बाबू भी सेट पर टूर करा रहे हैं, अपनी शूटिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। गुड शॉट गाइस, गुड शॉट, गुड शॉट। सो आप लोग हेली और राहुल से तो मिल चुके हैं, तो अब आइए मिलाता हूं आपको इश्क में मरजावा की पूरी क्रू से। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हमारा कैमरा, थैंक यू। सबसे पहले चलते हैं हमारे डायरेक्टर के पास, हमारे नोएल सर। हाय एवरीवन, और देखिए हम लोग सब प्रिकॉशन ले रहे हैं, सब मास्क वास्क पहन के बैठे हुए हैं। एंड इनके असली चेहरे देखने के लिए आप जाइए इनके इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल पे और देखिए कितने आलीशान टाइप चेहरे हैं ये सब। ओके सी यू। और नाउ हम लोग जाएंगे अपने डीओपी के पास। हेलो गाइस, एंड दिस इज आवर राजन सर जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं अभी सेट पे, लाइटिंग कैमरा एवरीथिंग। एंड दिस इज आवर एंटायर क्रू, हमारे लाइट कैमरा टेक्नीशियंस हु आर लाइक मेकिंग एवरीथिंग हैपन ऑन सेट ओवर हियर। हेलो, एंड दिस इज आवर क्रिएटिव राइट ओवर हियर ओपन, और वहां वो रही प्रणति हाइडिंग इन दैट कॉर्नर मेकिंग ऑल दोस क्रिएटिव डिसीजंस। शी इज रिस्पॉन्सिबल, ये जैकेट, ये बाल कैसे होंगे, सब कुछ वो करती है। ऑलराइट गाइस, भाई ये तो नजारे थे इश्क में मरजावा के ऑन लोकेशन के, लेकिन पर्दे के पीछे हेली और विशाल चाय पर ढेर सारी बातें कर रहे हैं और चुस्कियों के बीच में जान रहे हैं कि लॉकडाउन कैसे भी था और इतने दोनों बाद शूटिंग करना काफी मजेदार था। लॉकडाउन में क्या किया यार? मतलब चॉकलेट्स बहुत खाई। I saw that post, oh my god, it's so tempting. But हाँ, टाइम पास किया, सिर्फ टाइम पास किया, सोया, बहुत सोया और काफी मेडिटेट किया, खाना बहुत बनाया। I think everybody सब। I didn't do anything. नहीं? बिल्कुल जीरो खाना। मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था, एक बार बनाया बस, बट इवन उसमें आई मेस्ड अप कुछ तो। मैंने क्या बनाने की कोशिश की? आई वाज ट्राइंग टू मेक समथिंग मीठा, बिकॉज़ मुझे लॉकडाउन में बहुत मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा था एंड आई ऑलवेज ट्राई किचन टू अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, हेल्दी बनाते हैं। अच्छा, तो हेल्दी बनाने के चक्कर में इतना गंदा गंदा मीठा बनाया ना मैंने। एक रह गया आई थिंक, बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम मीठा, तो हमने तो हेड चॉकलेट्स तो बहुत कुछ बनाए, बट माइसोर पाक बहुत अमेजिंग, उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बट इट वाज सो मच घी, सो मच शुगर एंड सो मच मैदा, बेसन एंड सो मच वर्क, मेहनत, तो वो इतना घी कभी डालने की हिम्मत ही नहीं हुई कि इतना घी डालूँ और उसे बनाऊँ और उसे फिर खा लूँ। आई वंस मेड बेसन का, लाइक आई ट्राइड टू मेक बेसन का लड्डू, बट उसमें मैंने घी नहीं डाला, लाइक आधा चम्मच डाला एंड देन आई ट्राइड टू मेक। यार घी तो इज द मेन इंग्रेडिएंट, ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज फूड फूड इज द बेस्ट थिंग टू डू, इट्स द बेस्ट थिंग टू टॉक अबाउट। बट हाउ डू यू फील नाउ? अभी वो एक फेज था आई थिंक, व्हाटएवर यू कॉल इट, नाउ वी आर बैक टू वर्क, बट इट्स स्टिल वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट, मेरे को बहुत डर लग रहा है ऑनेस्टली, लग रहा है but we is good and today we launching, I think Yes. और excitement है, I think थोड़ा एक और motive incentive आ रहा है, you know you have to keep working. Yeah, and it's been such a long wait for us, you know, शुरू से अब तो साथ में ही होने almost. Yes, we started beginning of this year, but finally we are going to be on air. And I hope you guys like it.